कल मोहन चांगना बोल के है हमारी, वहां पर हमारे भाइयों को अटैक कर दिए, तीन जने आ गए। हमारे सलमान भाई को बहुत मारे, चाकू बताया। हम रात भर नहीं सोए, पूरे फैमिली रात भर सो नहीं पाए। मेरे भाई को बहुत मारे हम लोग, चाकू बताया। पूरे 5 जने हमारी बस्ती में आ गए, रात भर हम लोग सो नहीं पाए। हम ये पीएस में भी आए, वो पीएस में भी कंप्लीट करे, दोनों पीएस में कंप्लीट करे हम लोग। पुलिस वाले सपोर्ट तो कर रहे हमें अभी कंप्लीट, फिर हम लोग दोबारा आगे करे। हमारी माँ बाप पूरे रात में सो, हमारे भाई को बहुत ज्यादा मारे। पैसे दियो, हफ्ते उसे लिए दियो 5-5 हज़ार रुपए बोल के बोले, नहीं देते बोले तो ऐसा अटैक करता तुम लोग के ऊपर, तुम्हारे तीनों भाई को मर्डर कर देता हूँ बोल के। उन लोग एकदम आके 3-4 जने आए, पहले मार के चले गए। हम लोग आके कम्प्लीट करे, उसके बाद कम्प्लीट करके हम लोग 10-15 मिनट हुआ शायद, 25 जने फिर आए। फिर आके हमारे पूरे बड़े भाई को पूरा घेर लिए, घेर लेके उनको धमकी देना शुरू कर दिए। अगर तेरे यहाँ कारोबार करना है तो कंप्लीट वापिस ले ले, नहीं तो तुम तीनों को ये मर्डर कर देता हूँ। मैं जाके भी आया। हमने कमने वाले तो है मामले बस्ती के। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है भाई, मेरा मतलब अली मोहित छागना है भाई। अचानक रात में मेरे पर अटैक हो गया, मेरे छोटे छोटे के ऊपर आके पिछाकू से डराया करके कैमरा देख के लोग क्या करे, कैमरे के सामने नहीं करके लोग क्या करे, बाहर लाए, बाहर पार्किंग प्लेस है मेरा, पार्किंग प्लेस में कैमरा वर्क लोगों ने मालूम है तो वहाँ ला के उसको गर्दन में मारना शुरू कर दिए। अब उन्हें मार, उन्हें कुछ भी बोलने से पहले उसको ऐसा कपड़े उतार के शेड़ा बहुत उतार के उसको चाकू बता दिए, उसको डरा दिए पहले से। तो उन्हें हम उस मारा वारा खा लिए, तो बोला ठीक है बोल के क्या करा। फिर मैं हुमायूं आपसे आसिफ नगर के अपने हबीब नगर पीएस में आके कम्प्लेन डाला हमें। कम्प्लेन डालने के बाद में फिर उन्होंने रात में 12:30 बजे दुकान बंद करने के टाइम पे उन्होंने क्या करे, सीधा बोले तो 125 जनों को ले लेके हम मांगड़ा बस्ती से आगे। मेरे को वार्निंग दे रहा है क्या बोल के, एक कैसे आना बोल के मांगड़ा बस्ती का क्या देना, पूरा मांगड़ा बस्ती का उन्हें रावड़ी छिड़ा रहेगा तो बहुत बड़ा उन्हें। तो उन्हें मेरे को क्या बोल रहा आगे, तेरे को कारोबार करना या नहीं करना, अगर कारोबार करना है तो केस वापस ले ले, अगर नहीं करना है तीनों भाई ना तो ना तीनों भाई को भी मर्डर कर दो, क्या हो करना उखाड़ लो बोलो, कुछ भी नहीं कर सकते हमारे को। पुलिस वाला भी क्या करते, बहुत सी बार पुलिस जेल को भिजाते फिर छोड़ के आते हम, फिर आगे मर्डर कर दो कैसा है तुम्हारे को, कारोबार नहीं करने दो तुम। अब देखो भाई हमारी गुजारिश है कि आप लोगों से ये जस्ट ये जरा ये कार्रवाई करना जरूरी है। रेवेलिटी साहब से मेरा गुजारिश है साहब, ये आपकी हुकूमत में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे गुजारिश है अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर नहीं खाएंगे तो कैसा करेंगे। आजकल लोग जो चोरी डकैती कर रहे हैं उनके ऊपर के उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, जो मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर छोरा तकलीफ जो भी हो रहा। ये कई गुआ बोला तो हमारे पास उन्होंने 3-4 महीना पहले से चाकना वना खाने खा के जा रहा था, फ्री में खा रहे थे ना, तो इसके बाद में लोगों आदत पड़ गया, आदत पड़ गया ना क्या बोले बोले तो भाई हमारे को हफ्ते को 5,000 रुपये कमीशन देना पड़ेंगे। अगर आप 5,000 रुपये कमीशन नहीं देंगे, बस्ती में से डेली 2 से 3 जनों को भेजा तुम दुकान में, डेली हंगामा कराता हूँ, एक ने एक को माना लगा दो तुम। इसके बाद में नहीं समझ में आ रहा तुम तीनों भाइयों को मर्डर करना लगा दो तुम। एक का नाम है रिजवान लाला है, एक का नाम मोटा लक्ष्मण है और एक का नाम नेमालम, और इसमें जो है ना बस्ती का पूरा यंग पूरा टीम बने हुए पूरे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से कारोबार है मेरा, मेरे पास कस्टमर पूरा दूर दूर से खाने के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से कारोबार जमाया भाई में, पूरे हमारे माँ बाप की हमारे बहनों की सपोर्ट है उसमें। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो आपका कैसा जीवन बोलो, आजकल गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर रहे इन लोगों के ऊपर, सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को भाई। रात में मैं कंप्लेंट देने के बाद में उनको ऑप्शन लेना था, ले लिया उन्होंने ऑप्शन, उन मेरे को पीछे कर रहे थे मेरा घर तक आ गया, मेरे घर तक आ गया मेरे को मर्डर करने का से।